नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शर्मा। आज मैं आपके सामने HSSC क्लर्क जो 13 नवंबर 2016 को टेस्ट कोड 10/2015 इवनिंग सेशन का पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक मैं अपनी यूट्यूब चैनल में दो वीडियो डाल चुका हूँ, पटवारी और ऑक्शन रिकॉर्डर की, और ये आज मेरी तीसरी वीडियो है। अगर आप इस वीडियो पे लाइक देंगे तो मुझे थोड़ा बढ़ावा मिलेगा और वीडियो बनाने का। सो दैट मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसमें लाइक दीजिए, और अगर उसमें कुछ कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट देके बताएं, सो दैट मैं इसको ठीक कर पाऊँ आने वाली वीडियो में। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सभी पेपरों को आपके सामने रख सकूं, क्योंकि जो र्यूमर्स फैल रखी है कि फैब में पटवारी कैनाल पटवारी का एग्ज़ाम आएगा, तो उसमें ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहेंगे ये सभी एग्ज़ाम। इसमें 20 से 25 नंबर आपके बड़े आसानी से आप इसमें गेट कर सकते हो। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। तो इसमें पहला क्वेश्चन है जो वो है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ अ चक्र व्हील ऑफ इंडियाज़ नेशनल फ्लैग। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है उसका रंग क्या है? हल्का नीला, गहरा हरा, नौसेना नीला यानी कि नेवी ब्लू, या ब्लू ब्लैक। तो इसका आंसर जो है वो है नेवी ब्लू, नौसेना नीला, नेवी ब्लू सी इसका सही आंसर है। आप नोट डाउन करते हो तो नोट डाउन कर लीजिए, वैसे आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मेरी इस वीडियो को एक बार डाउनलोड कर लीजिए और 2 या 3 बार देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन वैसे ही याद हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। हाउ मैनी लॉयंस आर विजिबल ऑन आवर नेशनल एम्बलम। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? 2, 3, 4, 5। वैसे तो जो हमारा नेशनल एम्बलम है अशोक स्तंभ से जो लिया गया है उसमें 4 शेर हैं, पर जब हम उसको देखने की कोशिश करते हैं, विजुलाइज करते हैं, तो उसमें हमें ओनली फॉर थ्री लॉयंस दिखाई देते हैं, फोर्थ नंबर का लॉयंस हमें नहीं दिखाई देता। तो जो क्वेश्चन की मांग है कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं, तो उसके अनुसार आप बी आंसर लगा लीजिए जिसका आंसर है 3। 3 शेर हमें दिखाई देते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, हु वॉन एन ऑस्कर अवार्ड फॉर कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग। शेखर कपूर, भानु अधया, के आसिफ या राज कपूर। कहने का मतलब है कि ऑस्कर पुरस्कार इनमें से किसको मिला है, किसके लिए? कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए, यानी पोशाक डिजाइन के लिए, कपड़े के डिजाइन के लिए किसको दिया गया है? तो जो इसका आंसर है वो है भानु अधया। भानु अधया जी है, इनको ऑस्कर अवार्ड मिला है। किस मूवी के लिए मिला है ये मैं आपको बता देता हूँ, गांधी मूवी के लिए दिया गया है। 1982 के आसपास ये मूवी बनाई गई थी। इनके जो डायरेक्टर थे वो थे एंटन बरो, उन्होंने इस मूवी को पिक्चराइज किया था। तो उन्होंने भानु अधया जी को सिलेक्ट किया था गांधी जी के कॉस्ट्यूम को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु वॉज द कैप्टन ऑफ फर्स्ट इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम। पहली भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? लाला अमरनाथ, IA के पटौदी, CK नायडू, गुलाम अहमद। तो मैं इन 3 ऑप्शनों को आपको क्लियर करूंगा कि कौन किसके लिए पर्टिकुलर पर्सन है। ठीक है, तो पहला देखो ऑप्शन क्या है, लाला अमरनाथ। जो लाला अमरनाथ जी थे इन्होंने पहला शतक लगाया था टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से। ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, ये कैप्टन भी रह चुके हैं, पर ये कैप्टन थे इंडिपेंडेंट भारत के, आज़ाद भारत के पहले कैप्टन थे क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट टीम के टेस्ट क्रिकेट में, लाला अमरनाथ जी। जो IA के पटौती जी हैं ये 1961 टू 62 से लेकर 1970 के बीच में हमारे इंडियन क्रिकेट के कैप्टन रह चुके हैं। और जो तीसरे हैं CK नायडू जी, CK नायडू जी 1932 में आई थिंक
भारत ने अपना पहला टेस्ट क्रिकेट मैच खेला था इंग्लैंड के खिलाफ, वो भी लॉर्ड्स में। इंग्लैंड में एक जगह है लॉर्ड्स, वहाँ पर खेला गया था। और उस समय भारत के जो कैप्टन थे वो CK नायडू जी थे। और आपको एक और एडिशनल जानकारी देता हूँ मैं, भारत के पहले ODI मैच के कैप्टन कौन थे, द फर्स्ट ODI कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो वो थे अजीत वाडेकर जी। और भारत ने अपना पहला ODI मैच 1974 में खेला था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और पहला वर्ल्ड कप 1975 में खेला गया था, जिसमें आई थिंक वेस्ट इंडीज़ जीत गई थी और ऑस्ट्रेलिया रनअप टीम रही थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विद विच स्लोगन वाज इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट स्टैम्प इशू, किस नारे के साथ स्वतंत्र भारत की पहली डाक टिकट को जारी किया गया था, जय हिंद, सत्यमेव जयते, आजाद हिंद, नई सुबह। तो इसका आंसर है जय हिंद। जय हिंद नाम से पहली टिकट को लॉन्च किया गया था आजाद भारत में, और इसकी जो मूल्य था वो 3.5 आना था, ठीक है जी। उसके बाद दूसरी टिकट आई जिसमें अशोक स्तंभ को शो किया गया है, जिसमें आपको वो 3 शेर दिखाई देते हैं, वो भारत की दूसरी टिकट थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 6th क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट एशियाड ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में पहला एशियाड कब आयोजित किया गया था, 1950, 1951, 1952, 1953। तो आपको पता है 1951 में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पहला एशियाड गेम भारत में दिल्ली में कराया गया था, जिसकी एग्जैक्ट डेट क्या थी, 4 मार्च। 4 मार्च से लेकर 11 मार्च तक ये एशियाड गेम चले थे, और जिसकी ऑफिशियली ओपनिंग हमारे उस समय के प्रेसिडेंट श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी, ठीक है। आप इस पे बी पे आंसर लगा लीजिए, एडिशनल नॉलेज के चक्कर में कहीं सही आंसर को हम पीछे छोड़ जाएं। आप 1951 लगा लीजिए, बी आंसर है इसका 1951, ख ख आंसर है। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं, इन विच कंट्री वाज द नाजी पार्टी फाउंडेड, नाजी पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी, इटली, जर्मनी, तुर्की, इजराइल। तो इसका आंसर है जर्मनी, नाजी पार्टी की स्थापना जर्मनी में हुई थी। और 1921 से लेकर 1945 तक, 1921 से लेकर 1945 तक जो इसके चेयरमैन रहे थे वो रहे थे हिटलर, हिटलर रहे थे। और आपने, अगर मैं इसका लोगो आपको थोड़ा सा विजुलाइज कराऊं वर्चुअली, तो फ्लाई फोर्ट होता है, हमारे यहाँ गणेश जी बनाए जाते हैं शुभारंभ के लिए, उस तरह का इसके जो एनवलप है इस पार्टी का, उसका लोगो है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पे, नेम द ईस्ट एशियन नाइबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया विच बिकम इंडिपेंडेंट इन 1948, भारत के पूर्वी एशियाई पड़ोसी देशों में ऐसा कौन सा देश है जो 1948 में स्वतंत्र हुआ था, तो वो था म्यांमार, जिसको आप बर्मा के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं इसकी पूरी डेट बताऊं तो वो डेट थी एग्जैक्ट 4 जनवरी 1948, 4 जनवरी 1948 को म्यांमार पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित किया गया था। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं, इन विच कंट्री इज द लीनिंग टावर ऑफ पिसा लोकेटेड, आपने सुना भी होगा झुकी हुई मीनार, पिसा की झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है, वो अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे झुकती जा रही है, एक साइड डिक्लाइन करती जा रही है। तो मैं इसमें विदाउट समय व्यर्थ करते हुए आंसर बताता हूँ, सी आंसर है इसका इटली, इटली में है पिसा की लीनिंग टावर, जिसको आप झुकी हुई मीनार भी बोलते हो, इसको भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टेक टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, पृथ्वी अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है, 24 आवर्स 30 मिनट 15 सेकेंड, 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड, 24 आवर्स पूरे या 23 आवर्स 52 मिनट 21 सेकेंड। तो इसका जो आंसर है वो है बी, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। दोबारा बता देता हूँ मैं, ख
आंसर है इसका 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 11th क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि 60 से 62 क्वेश्चन हैं और मुझे कम से कम समय में इसको करवाना है, तो प्लीज थोड़ा सा। इन विच ईयर वॉज द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन सार्क फॉर्म। कहने का मतलब है कि सार्क दक्षेस, जिसको आप साउथ इंडियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन बोलते हो, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका जो आंसर है वो आप लिख लीजिए। इसका आंसर है बी, 1985 में ढाका में इसकी स्थापना की गई थी और इस समय जो इसका हेड क्वार्टर है वो है काठमांडू, नेपाल में काठमांडू में है। और इस बार जो दक्षेस सम्मेलन हुए हैं, सार्क सम्मेलन हुए हैं, आप सबको पता है पाकिस्तान में हुए थे, इस्लामाबाद में, ठीक है जी, जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और इसका एक रूल है सार्क सम्मेलनों का कि अगर 8 देशों में से किसी एक देश ने आने की अनुमति नहीं, अपने आप को मना कर दिया आने को, तो वो बैठक आगे नहीं बैठती और उसको वहीं पे रोक दिया जाता है, जो इस बार आपको देखने को मिला भारत की तरफ से। 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिचुएटेड। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हम बचपन में पढ़ते थे तो हमारे टीचर्स हमें बताते थे कि यूनेस्को, यूएनओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ भी आएगा तो सबका मुख्यालय जिनेवा है, जिनेवा है। पर इसका आंसर जिनेवा नहीं है, और क्योंकि हमारी थोड़ी सी मेंटली भी बन गया है कि इसका आंसर जिनेवा ही होगा, नहीं, इसका आंसर है न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को विश्व धरोहर का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है, वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है, और जिनेवा में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। आई थिंक मैंने चारों के चारों ऑप्शन आपको क्लियर कर दिए हैं, सो दैट आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। 13th क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय लिक्यूमिया। मानव शरीर में निम्न में से कौन सा लिक्यूमिया से प्रभावित है? रक्त, फेफड़े, आंखें, नसें। तो इसका आंसर है ब्लड। ल्यूकेमिया जो बीमारी है वो हमारे ब्लड्स को इफेक्टेड करती है। क आंसर है इसका रक्त। आप रक्त पे इसको क्लिक कर लीजिए। 14th क्वेश्चन पे चलते हैं, इनसाइड विच ऑर्गन इज अ गॉल ब्लैडर लोकेटेड। क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूँ कि किस अंग के अंदर पित्ताशय की थैली स्थित होती है? किडनी, लीवर, अग्नाशय और छोटी आंत। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए लीवर। लीवर इसका सही आंसर है। बी पे आप टिक कर दीजिए, ठीक है, जिसको आप यकृत भी बोलते हो। मे भी मैंने यहाँ पे हिंदी में नहीं लिखा इसको, और आई थिंक आपको पीछे से कुछ वॉइस आ रही होगी, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। शाम का समय है रिकॉर्डिंग करते वक्त, सो दैट तभी ये पीछे से आवाज़ आ रही है, पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं क्लियर वॉइस में ये पूरा एक लेक्चर दे सकूँ। 15th क्वेश्चन था, फीफा 2018 वर्ल्ड कप विल हेल्ड इन। फीफा 2018 विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? ब्राज़ील में, रूस में, जर्मनी में, स्पेन में। तो इसका आंसर है रूस, रशिया में इस बार 2018 में फीफा वर्ल्ड कप होगा। और आपको इसके अलावा मैं थोड़ी सी एडिशनल जानकारी देता हूँ कि सबसे पहला जो फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था, आई थिंक 1930 में खेला गया था उरुग्वे में, और उरुग्वे ही वहाँ जीता था पहला, यानी वर्ल्ड कप उरुग्वे ने ही जीता था। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा बार जीतने वाला देश कौन सा है वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, तो वो है ब्राज़ील, जहाँ इस बार ओलंपिक्स हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ईच सेट ऑफ स्टंप्स इन क्रिकेट। क्रिकेट में स्टंप में दो दो स्टंपों के बीच में कितना डिफरेंस होता है? आप सबको पता है जो हमारी एक पिच होती है जिस पे क्रिकेट खेला जाता है, बॉयज़ मोस्टली खेलते हैं, उनको इसके बारे में काफ़ी जानकारी होती है कि 22 यार्ड की पिच होती है जिस पे क्रिकेट खेला जाता है, दो, एक साइड बैटिंग साइड और एक साइड बॉलिंग साइड स्टंप्स लगी होती है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वही इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा है, वो 22 यार्ड की होती है, ठीक है। सी आंसर लगा लीजिए इसका आंसर आप, 22 यार्ड्स। 17th क्वेश्चन पे चलते हैं,
हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द मूनलाइट टू रीच द अर्थ? चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड, 12.5 सेकेंड, 1 मिनट, 52 सेकेंड। 52 सेकेंड में तो आई थिंक जनगण मन गाया जाता है। इस क्वेश्चन को, ऑप्शन को तो हम यही काट देते हैं। जो हमारा नेशनल एंथम है उसको 52 सेकेंड में गाया जाता है। इसका आंसर ये नहीं है। आप इसका ए आंसर लगा लीजिए, 1.3 सेकेंड। 1.3 सेकेंड में चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी पर पहुंचती है। 18th क्वेश्चन पे चलेंगे। द फर्स्ट ग्रीन ट्रेन कॉरिडोर ऑफ द कंट्री वॉज इनॉगरेटेड बिटवीन रामेश्वरम एंड मानामदुराई इन विच स्टेट रिसेंटली? आंध्र प्रदेश ए ऑप्शन, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटका, डी केरला। हाल ही में देश में किस राज्य में एक ग्रीन गलियारा बनाया गया है जो रामेश्वरम से मनुमदुरई के बीच बना है, यानी रेल चलाने के लिए? इसको ग्रीन ट्रेन गलियारा कहा जाता है। ये कौन से प्रदेश में पड़ता है? तो इसका आंसर मैं सीधा सीधा बताता हूँ आपको, तमिलनाडु इसका आंसर है। बी बी तमिलनाडु इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज बिन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? बाबा सिंह, ऋषिकेश बोस, अनंत माहेश्वरी, कमल जैन। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए सी, अनंत माहेश्वरी। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका आंसर आप लिख लीजिए अनंत माहेश्वरी। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की तरफ से नए अध्यक्ष चुने गए हैं। 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स हैज बीन इंक्लूडेड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर 2020 टोक्यो ओलंपिक? निम्न खेलों में से जो 2020 में टोक्यो ओलंपिक होने हैं उसमें कौन कौन सी गेमों को शामिल किया गया है? स्केटबोर्ड, सर्फिंग, कराटे, अप्रोक्स सभी। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए डी है इसका आंसर, ऑल ऑफ दिस अबव, अप्रोक्स सभी इसका आंसर है। 21th क्वेश्चन पे चलते हैं। द गवर्नमेंट हैज सेट द टारगेट टू रोल आउट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। ये तो आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, जीएसटी, जीएसटी बच्चे बच्चे के मुंह में है जीएसटी, पर उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज किसी को भी नहीं है कि जीएसटी होता क्या है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी न्यूज़ में पीछे काफ़ी चलता रहा, अगस्त महीने में इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आया करती थी। तो इसका जो आंसर है, हम पहले को आंसर पे चलते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये कब लागू होगा हमारे देश में? तो जो गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है इस समय, एनडीए की सरकार है, वो इसको 1 अप्रैल 2017 से लागू करने का प्रयास कर रही है। और देखते हैं, अगर शीत सत्र में कानून पास हो जाता है, बिल पास हो जाता है, तो ये 1 अप्रैल 2017 को पास हो जाएगा। और इसके अलावा जीएसटी के ऊपर ये क्वेश्चन भी आता है कि जीएसटी का दूसरा नाम क्या है, यानी जो अगर हम बोले ऑफिशियल नेम क्या है, तो इसको 122वां संविधान संशोधन बिल भी कहा जाता है, 122 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी कहा जाता है जीएसटी को। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। विजय रूपानी इज अ स्वॉर्न इन एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात ऑन। विजय रूपानी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कब शपथ ली? देखिए, इसमें क्या क्वेश्चन पूछ लिया है कि कब उन्होंने इसके ऊपर शपथ ली। मोस्टली हमें क्वेश्चन क्या रहता है कि विजय रूपानी किस प्रदेश के मुख्यमंत्री है, पर इन्होंने इसमें पूछ लिया है कि ये कब इन्होंने ओथ ली है एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। तो इसका आंसर है 7 अगस्त 2016। इसका सही आंसर है 7 अगस्त 2016 को विजय रूपानी जी ने गुजरात की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और इसके अलावा जो गुजरात के डिप्टी सीएम हैं वो है नितिन पटेल यहाँ के डिप्टी सीएम है। ठीक है जी, आगे 23rd क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद इन्वेंशंस ऑफ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर के आविष्कार के साथ जुड़े निम्न में से कौन है? तो आप सबको पता है चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर से रिलेटेड है, और इसका आंसर बेबेज है। इन्होंने खाली उनकी कास्ट दे रखी है, तो हम कास्ट पे क्लिक कर देते हैं। बी इसका आंसर है, इन्होंने पूरा नाम नहीं दे रखा।
चार्ल्स बेबेज, वैसे उनका पूरा नाम है, यहाँ ओनली फॉर उनकी कास्ट है तो हम बेबेज लिख देते हैं। 24th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज यूज फॉर एनी मेटल्स टू बी यूज एज अ कुकिंग यूटेंसिल्स, एक खाना पकाने के बर्तन के लिए इस्तेमाल में किए जाने के लिए किस तरह क्यों धातु का क्यों प्रयोग किया जाता है, उसका क्या रीजन है? लेस थर्मल कंडक्टिविटी और मोर थर्मल कंडक्टिविटी, लेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मोर डेंसिटी। तो अगर मैं हिंदी में बताऊं तो इसका आंसर है कम तापीय चालकता, लेस थर्मल कंडक्टिविटी इसका सही आंसर है। आप ए पे क्लिक कर दीजिए। ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज नॉट अफेक्टेड बाय एयर एंड वाटर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, निम्न में से कौन सी धातु ऐसी है जिसको हवा और पानी का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यानी उससे वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं होती? लोहा, आप सबको पता लोहे को तो जंग लग जाता है, ठीक है। उसके बाद सी ऑप्शन है कि इसमें सोडियम, सोडियम को तो जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आती है उसको आग लग जाती है, आपको पता होगा, उसको मिट्टी के तेल में, केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं सो दैट उसको वो आग ना पकड़ ले। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए प्लैटिनम, बी आंसर है इसका प्लैटिनम। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स डज अ कॉकरोच हैव, तिल चट्टे में चलने के पैर कितने जोड़े होते हैं? आपको मैं एक छोटा सा फंडा बता रहा हूँ कि जितने भी हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, मोस्टली इंसेक्ट्स, उनमें 6 पैर होते हैं जिनको आप 3 जोड़े बोल सकते हो, यानी तीन तीन के पेयर्स, 6 पैर्स मोस्टली सभी के। आप वो एंट देख लो, चींटी को देख लीजिए, कॉकरेच को देख लीजिए, और भी टिड्डे को देख लीजिए, मोस्टली उन सबके, मकड़ी को देख लीजिए जो वेब बनाती है, स्पाइडर, उन सबके 6 पैर होते हैं, 3 के पेयर्स। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए सी, 3 पेयर्स हैं, और वैसे अगर वो पैर पूछ ले तो 6 हैं। 27th क्वेश्चन था, एंजाइम्स हेल्पफुल होते हैं सांस लेने के लिए, भोजन को पचाने के लिए, प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए, या थोक के लिए जिसको रिप्रोडक्शन बोला जाता है? तो उसका आंसर है भोजन को पचाने के लिए। हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं या लार्ज इंटेस्टाइन्स होते हैं, उनमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हमारे खाने को पचाने में हमारी हेल्प करते हैं। अगला क्वेश्चन था 28th, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द ग्राम उदय से भारत उदय अभियान ऑन अप्रैल 14, 2016। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्राम उदय से भारत उदय अभियान जो 14 अप्रैल 2016 को स्टार्ट किया था, वो कौन से प्रदेश से किया गया था? तो ये क्वेश्चन पहले भी मैंने शायद पटवारी पत्नी ऑप्शन रिकॉर्डर में इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा की थी, आज भी मैं उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखो आपको जीता जागता हुआ एग्जाम्पल मिल रहा है कि क्वेश्चन रिपीट टू रिपीट हो रहे हैं सभी पेपरों के। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए मध्य प्रदेश, जहाँ पे उज्जैन का मेला लगा था, उज्जैन में कुंभ का मेला लगा था, नर्मदा नदी, सॉरी नदी का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा इस समय, मध्य प्रदेश इसका आंसर है, उज्जैन मध्य प्रदेश में इन्होंने ये योजना आरंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड HYV हाई यील्डिंग वराइटीज ऑफ वीट एंड राइस वर डेवलप्ड, जापान एंड पाकिस्तान, USA एंड जापान, मैक्सिको एंड सिंगापुर, मैक्सिको एंड फिलीपींस। तो मेरी जानकारी जो कहती है वो है इसका आंसर डी, मैक्सिको एंड फिलीपींस, क्योंकि जो हरित क्रांति है, ग्रीन रेवोल्यूशन, उसका जो जन्मदाता है वो फिलीपींस देश ही है, फिलीपींस देश है, ठीक है। तो आप इसका आंसर डी लगा लीजिए, फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भांगड़ा इज अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, HP। आप सबको पता है जो भांगड़ा है वो पंजाब का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोगन डू और डाई इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फ्लोइंग मूवमेंट्स? करो या मरो का नारा किस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन,
या फिर स्वदेशी आंदोलन? तो इसका आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, जिसको आप क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं, उस समय गांधी जी ने ये नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 32 क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स पंचायती राज वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1959? निम्न राज्यों में से किस में पंचायती राज 1959 में 1959 में भारत में लगाया गया? तो उसका आंसर है राजस्थान और आंध्र प्रदेश। जो हमारा अनुसूची, आई थिंक अनुसूची 11वीं है, संविधान की अनुसूची 11वीं में इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33rd क्वेश्चन। ऑप्टिकल फाइबर्स आर बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस, डिस्पर्शंस, डिफ्रैक्शंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो ऑप्टिकल फाइबर्स है वो किस सिद्धांत पर आधारित होती है? वो होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कुल आंतरिक प्रतिबिंब। आई थिंक हिंदी में यही बोलते होंगे, मुझे इंग्लिश में इसके बारे में पता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज मोर यूजफुल? निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? तो इसका आंसर है सी, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में इसका प्रयोग किया जाता है, स्प्रेडशीट का। आपने एक्सेल फाइल्स देखी होंगी, उसमें ये यूज की जाती है स्प्रेडशीट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ ऑफ अ पायरेक्स ग्लास? निम्न में से पायरेक्स ग्लास, पायरेक्स कांच के अतिरिक्त ताकत देने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो उसका आंसर है बोरेक्स। सी आंसर है उसका, बोरेक्स बिल्कुल सही आंसर है, 31st का। नेक्स्ट, कार्बन डेटिंग मेक्स यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ? कार्बन डेटिंग में कौन सा सिद्धांत उपयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर आप लिख लीजिए रेडियो एक्टिविटी। कार्बन डेटिंग में रेडियो एक्टिविटी का यूज किया जाता है, मेरी तरफ से ये आंसर है। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, फिर भी आप अपनी तरफ से एक बार क्रॉस चेक कर लेना, जहाँ से मैंने इसको स्टडी आउट किया है वहाँ इसका आंसर रेडियो एक्टिविटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुजरी महल इज सिचुएटेड इन विच सिटी ऑफ हरियाणा? गुजरी महल हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? तो आप सबको पता है जो गुजरी महल है वो हिसार में स्थित है। सी इसका आंसर है गुजरी महल। ठीक है, हीरो मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? हीरो मोटरसाइकिल निर्माण कंपनी का जो कारखाना है हरियाणा के किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद, पलवल, सिरसा, रेवाड़ी। तो इसका आंसर है रेवाड़ी, जहाँ पे हीरो मोटरसाइकिल्स के कारखाने हैं, और रेवाड़ी में जो एग्जैक्ट जगह है वो है धारूहेड़ा, आई थिंक ऐसा ही कुछ नाम है उस एरिए का, जहाँ से कई बार क्या होता है कि रेवाड़ी ऑप्शन में नहीं आता, पेपर में रेवाड़ी ऑप्शन में नहीं देंगे, वो धारूहेड़ा ऑप्शन दे देंगे। तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिए, रेवाड़ी में एक जगह पड़ती है धारूहेड़ा, और वहीं पर मोटरसाइकिल कंपनी, ये हीरो मोटरसाइकिल का कारखाना स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 39th क्वेश्चन। मेडिकल यूनिवर्सिटी इन करनाल हरियाणा इज प्रपोज आफ्टर हुज नेम? करनाल में जो हरियाणा में हरियाणा मेडिकल विश्वविद्यालय है वो किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है करनाल से कौन बिलोंग करता था? कल्पना चावला। तो इनका नाम कल्पना चावला जी के नाम से रखा है, सी इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज नॉट सैंडी? निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला ऐसा है जो रेतीला नहीं है? तो आप सबको पता है कि महेंद्रगढ़, भिवानी और सिरसा, ये तीनों लगभग राजस्थान के बॉर्डर के साथ लगते हैं, तो यहाँ तीनों रेतीला इलाका पाया जाता है, एक्सेप्टेड कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी जिले रेतीले हैं, तो डी इसका आंसर है। द बिल्डिंग बिरबल का छत्ता इज इन विच टाउन ऑफ हरियाणा? बिरबल का छत्ता इमारत हरियाणा के कौन से शहर में है? तो उसका सही आंसर है ए, नारनौल। नारनौल उसका सही आंसर है, महेंद्रगढ़ उसका नहीं है आंसर। महेंद्रगढ़ का जो डिवीज़न है वो नारनौल पड़ता है, और नारनौल में ही बिरबल का छत्ता है। आपको महेंद्रगढ़ और नारनौल में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 42 क्वेश्चन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइंग रेलवे लाइन टिल फारूक नगर वाज?
जो फारूक लाइन में, फारूक नगर में जो लाइन बिछाई गई थी, उस लाइन को बिछाने का उद्देश्य क्या था? आतंकवादी प्रयोजन के लिए, नमक ले जाने के लिए, पत्थर ले जाने के लिए, या फिर साइकिल इंडस्ट्री के लिए? तो इसका आंसर था नमक ले जाने के लिए इस रेलवे लाइन को बिछाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन। द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा लॉन्च द पशुधन बीमा योजना इन। हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना किस शहर से स्टार्ट की थी? तो इसका आंसर है झज्जर। क्यों? क्योंकि जो हमारे यहाँ के कृषि मंत्री जी हैं, उनका जो निवास स्थान है, जिस तरह जहाँ से वो खड़े थे एमएलए की सीट के लिए खड़े थे, वो झज्जर ही है, इसलिए उन्होंने वहीं से स्टार्ट किया और वो वहीं से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अनाउंस द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपियन ऑफ हरियाणा स्टेट। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इससे पहले तो परिणीति चोपड़ा जी थे, ठीक है, पर अब जब ओलंपिक में साक्षी मलिक जीत के आई है, तो सी साक्षी मलिक को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ओनली फॉर हरियाणा के लिए। ओवरऑल इंडिया की बात करें तो आज भी परिणीति चोपड़ा ही हैं, ये ओनली फॉर हरियाणा के लिए है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हरियाणा कॉपर कॉइन्स ऑफ हर्षवर्धना पीरियड वाज फाउंड फ्रॉम। हरियाणा में हर्षवर्धन काल के तांबे के सिक्के कहाँ से मिले थे? तो इसका आंसर था अग्रोहा। बी इसका आंसर है अग्रोहा। ठीक है, इसको आप क्लिक कर लीजिए। कईयों ने इसका आंसर सोनीपत दे रखा है, वो इसका सही आंसर नहीं है। द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा वाज। हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, पंडित भगवतदयाल शर्मा, या राव बीरेंद्र सिंह। तो इसका सही आंसर है चौधरी देवीलाल। आप सबको पता होगा चौधरी देवीलाल जी इनेलो से बिलोंग करते थे, इनेलो, जो अगर मैं आज की डेट में इनकी बात करूं, इनके समय में जो अभय चौटाला जी, जो हमारे हरियाणा विधानसभा के विपक्ष के नेता है, वो इनेलो से ही बिलोंग करते हैं। तो बंसीलाल जी आपको पता है कांग्रेस से बिलोंग करते थे, भगवत दयाल शर्मा जी आल्सो, राव वीरेंद्र सिंह भी। ठीक है, तो चौधरी देवीलाल जी इसका सही आंसर था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये तो सबको पता भी, आई थिंक इसका आंसर है डी हिसार। हिसार में स्थित है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा डज नॉट फॉर्म बाउंड्री विद द रिवर यमुना। हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में से एक यमुना नदी के साथ सीमा नहीं गठित करता। तो आपको पता है यमुना जो है, यमुनानगर से होते हुए पानीपत, करनाल, सोनीपत होते हुए गुड़गांव, फरीदाबाद होते हुए यूपी में घुस जाती है, पर रोहतक में उसकी ओनली फॉर नहर जाती है, ना कि यमुना नदी जो हमारी प्राकृतिक नदी है उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। आप डी पे इसको क्लिक कर दीजिए, रोहतक इसका आंसर है। द चाइनीज ट्रेवलर ह्यून सैंग विजिटेड हरियाणा रीजन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। चीनी यात्री ह्यून सैंग किसकी अवधि के दौरान हरियाणा क्षेत्र में आया था? आप सबको पता है कि हरियाणा में थानेश्वर के जो राजा थे वो हर्षवर्धन थे, और उन्हीं के समय में ह्यून सैंग भारत आया था, हरियाणा में आया था। सॉरी, फॉर सेटिंग अप अ न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप एट गुड़गांव हरियाणा गवर्नमेंट साइन एमओयू विद कंपनी। गुड़गांव में एक नई औद्योगिक टाउनशिप स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक समझौता ज्ञापन किस कंपनी के साथ हस्ताक्षरित किए हैं? तो वो है चीन भाग्य भूमि विकास, जिसको आप CFLD के नाम से जानते हैं, चाइना फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट। सी इसका सही आंसर है। प्लीज़ इसको ध्यान रखिए, क्योंकि इसके ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन बने हुए हैं जो आने वाले पेपरों में मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड रखें। 51st क्वेश्चन, इन हरियाणा गवर्नमेंट हु होल्ड द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टेक्निकल एजुकेशन पार्लियामेंट्री अफेयर। हरियाणा सरकार में कौन पर्यटन, तकनीकी क्षेत्र और संसदीय मामलों का मंत्रालय को संभालता है?
तो वो है हमारे शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी, जो महेंद्रगढ़ से जनरल कैटेगरी से विधानसभा की सीट के लिए खड़े थे। ठीक है, ये हमारे शिक्षा मंत्री भी है, पर्यटक मंत्री भी है और पार्लियामेंट अफेयर मंत्री भी है रामविलास शर्मा जी, कैबिनेट मिनिस्टर भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरसा के मंझियाना परियोजना मिशन किसके तहत स्थापित किया गया है? तो उसका जो रिलेशन है वो है बागवानी से, जिसको आप हॉर्टिकल्चर बोलते हो, बागवानी से रिलेटेड इस परियोजना को स्टार्ट किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 53rd क्वेश्चन, एक मिनट, सॉरी, 53rd क्वेश्चन। हाँ, हॉर्टिकल्चर टाउन रनिया इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऐतिहासिक हिस्टोरिकल सॉरी ऐतिहासिक शहर रनिया कौन से जिले में पड़ता है? हिसार, पंचकुला, सिरसा, भिवानी। तो इसका सॉरी सही आंसर है सिरसा, सी सिरसा इसका सही आंसर है, रनिया सिरसा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 54th क्वेश्चन, इन हरियाणा गवर्नमेंट मिनिस्टर बनवारी लाल बिलोंग टू विच कॉन्स्टिट्यूएंसी? जो बनवारी लाल जी है, जो हमारे राज्य मंत्री आई थिंक, वो कौन से शहर से बिलोंग करते हैं? वो रेवाड़ी के बावल से, बवाल से बिलोंग करते हैं बनवारी लाल जी। इनको अभी नियुक्त किया है कुछ ही समय में, जो नई अपग्रेडेशन आई है, अपडेट हुए हैं हरियाणा मंत्री ने, उनमें इनको एंट्री दी गई है। ऑल ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम शिवालिक हिल्स ऑफ हरियाणा एक्सेप्ट? निम्नलिखित सभी नदियां हरियाणा के शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है सिवाय, आप सबको पता है टांगरी नदी जो सी है ये निकलती है मोरनी हिल से, मारकंडा जो नदी है वो निकलती है नाहन से, घग्गर निकलती है शिमला साइड से, ठीक है, स्वर्गहाट आई थिंक बोलते हैं इसको, और जो यमुना है ये शिवालिक रेंज से नहीं निकलती है, हिमाद्री से निकलती है, बंदरपुल से, माउंट एवरेस्ट की जो पहाड़ी हैं उनकी उधर से आती है। तो इसका जो आंसर है वो है ए, यमुना जो शिवालिक रेंज से नहीं निकलती। ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना है, थोड़े से कंफ्यूज क्वेश्चन है पर इजी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56th क्वेश्चन, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन हरियाणा? ये बड़ा ही टिपिकल सा क्वेश्चन है आज की डेट के लिए, क्योंकि अभी चरखी दादरी को 22वां राज्य घोषित किया, डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दे सकता आज की डेट में कि ये एग्जैक्ट हो चुका है कि नहीं, क्योंकि अभी कई लोगों की राय लेनी जरूरी है उस क्वेश्चन के अंदर, तभी इस क्वेश्चन का आंसर सही हो सकेगा। जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ इसके आंसर को आप इसमें कमेंट दीजिए, ताकि हर किसी को इसका सही आंसर मिल सके। मेरी नज़र में अभी तक इसका आंसर बी है, 21, 21 डिस्ट्रिक्ट ही हैं भारत हरियाणा में, 22वां चरखी दादरी बनने वाला है, पर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि मैं इसको एग्जैक्ट बता दूं कि ये 22 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द बर्थ प्लेस ऑफ महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जी का जन्म स्थल कहाँ पे है? तो वो है वैशाली, वैशाली में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 58th क्वेश्चन, ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर डिड अलेक्जेंडर एंड पोरस फाइट? कौन सी नदी के तट पर सिकंदर पोरस ने लड़ाई लड़ी थी? आप सबको पता है झेलम नदी के किनारे, और जो ब्यास नदी पे, वहाँ पे उसकी सेना ने लड़ने से, उसको पार करने से मना कर दिया था। तो आपको व्यास और झेलम में कंफ्यूज नहीं होना है, इसका बी आंसर है झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पोरस की लड़ाई हुई थी, और ये पहला विदेशी पर्सन था जिसने भारत पे आक्रमण किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो इन टू द अरेबियन सी? निम्न में से ऐसी कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती? नर्मदा ये गिरती है, साबरमती भी अरब सागर में ही गिरती है, ताप्ती भी गिरती है, ओनली फॉर गोदावरी नदी ऐसी है इन ऑप्शन में जो अरब सागर में नहीं गिरती, वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, बाकी नर्मदा, साबरमती और ताप्ती ये तीनों अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, ये ओनली यही तीन नदियां हैं जो पूरे भारत में, इन तीन नदियों के अलावा सभी बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती हैं, खाली ये तीन नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है, इसको ध्यान रखिए। नेम द क्रॉप विच वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द 17th सेंचुरी? अल्टरनेट स्पेल्स ऑफ रेन एंड सनी वेदर्स आर आइडियल फॉर इट। ऐसी कौन सी फसल है जिसके लिए बारिश और धूप
एक अच्छा मंत्र है, आदर्श है उसको उगाने के लिए। तो इसका आंसर है जूट, और भारत विश्व में नंबर वन है जूट उत्पाद के लिए, ठीक है। और अभ्रक के लिए चीन विश्व में नंबर वन है। आपको ध्यान रखना है जूट के लिए भारत नंबर वन है विश्व में, और इसकी सबसे ज़्यादा खेती पश्चिम बंगाल में की जाती है, जूट की खेती, जिसको आई थिंक गोल्ड फाइबर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ अ आर्म फोर्स ऑफ इंडिया। भारत की सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, आप सबको पता है, वो होते हैं प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जो होते हैं वो बी इसका आंसर है। हिंदी में शायद मुझसे ये ऑप्शन गलत लिखा गया है, आप इंग्लिश में इसको फॉलो कर लीजिए। प्रेसिडेंट इसका आंसर है बी, राष्ट्रपति सबसे सर्वोच्च होता है हमारी आर्मी का, सशस्त्र बल का, सॉरी। 62 क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। विधानसभा में जो मसौदा तैयार करने वाली समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया है उसके अध्यक्ष कौन थे, आप सबको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे जिन्होंने संविधान बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 63 क्वेश्चन, बस 2 से 3 क्वेश्चन रह गए हैं। व्हेन वाज द टाटा आयरन स्टील कंपनी सेटअप एट जमशेदपुर। टाटा आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर में कब स्थापित की गई, तो इसका आंसर है बी 1907 में। 1907 में ये कंपनी स्थापित की गई, और ये भारत की सबसे पहली कंपनी थी आयरन स्टील कंपनी टाटा, जो जमशेदपुर में है। व्हेन वाज द जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इन इंडिया फॉर्म। कब भारतीय साधारण बीमा निगम का गठन किया गया, तो इसका आंसर है 22 नवंबर 1972। 22 नवंबर 1972 को साधारण बीमा निगम का गठन किया गया था। तो ये थे 60 से 64 क्वेश्चन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्लर्क 13 नवंबर 2016 के। अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे बढ़ावा मिले, मैं और वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। और मेरे आने और आने वाले दिनों में मैं तकरीबन सभी पेपरों की वीडियोस में डाल दूंगा। और मैं अभी अभी तक के लिए इतना ही है, धन्यवाद।